गाइस आज हम लोग आ गए अपने बढ़िया माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। और गाइस लास्ट टाइम हम लोगों ने ना ये देखो अपना शुगर केन फार्म को अपग्रेड किया था, क्योंकि अपने को बहुत सारे शुगर केन चाहिए थे, क्योंकि अपने को ना बहुत ज्यादा पेपर की जरूरत थी, क्योंकि ये भी ट्राई करना था अपने को। सही में इतने दिनों से अपने पास इलाइट्रा था, पर मैंने कभी इतने अच्छे से यूज नहीं किया। ओ भाई साहब अच्छा हुआ लैंड हो गए। तो गाइस मैं सोचो आज के एपिसोड में एक्चुअली मुझे पता है आप लोग को थंबनेल और टाइटल लेके समझ में आ ही चुका होगा। तो ये अपना जो बोट हाउस है इसको हम लोग ना ठीक करने वाले, बट इस बार बोट हाउस नहीं बनाने वाले, तो इस बार हम लोग ना सी हाउस बनाने वाले। मतलब ये बोट हाउस का जगह पे हम लोग ना नॉर्मल हाउस में कन्वर्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये देखो अपना पुराना बोट हाउस। भाई ये मेरे भाई ने क्या हालत कर दी, अभी अपने को ये फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो इसके जगह सही में इस बार है ना मुझे लगता है बोट हाउस नहीं बनाना चाहिए। और वो देखो नीचे अपना एंचेंटमेंट रूम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे हम लोग ना एक घर बना देते हैं, मतलब सी हाउस। और अभी ऑलरेडी इधर इतना प्यारा अपना ब्रिज है, तो इधर यहाँ पे हम लोग ना मतलब ये देखो ऑलरेडी बेस वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ पे ही हम लोग क्यों ना अपग्रेड कर ले। सबसे पहले अपने को ये जो जो चीजें नहीं चाहिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और जिसको भी पता नहीं होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे बोट हाउस क्यों बनाया था, यहाँ पे नीचे ना अपने को सबसे पहले मतलब हम लोगों ने जब सर्वाइवल चालू किया था शिपरेक मिली थी, फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ पे इसके ऊपर अपना एक घर बना देंगे। तो अपना ये सबसे पहला घर था लिटरली यार, बट क्या ही करे अभी हम लोगों ने इसको रिस्टोर आई मीन थोड़ा सा अपग्रेड या चेंज करने वाले। ने बता ये आइडिया कैसा होगा यार, आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना कि ये सही चॉइस था कि नहीं। अभी गाइस हम लोग काम करते हैं, फटाफट जाके ना थोड़ी सी लकड़ियां ले आते हैं, क्योंकि ये ना हम लोग ना लकड़ियां प्लस थोड़े से स्टोन एज अ मतलब फ्लोर यूज करेंगे। घोड़े इधर आ जा, घोड़े मेरे को लेके चल फास्ट फास्ट। आई घोड़ा सही में बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो अभी मुझे लगता है अपने को चाहिए सबसे पहले एक सेकेंड लकड़ियां चाहिए, ये बहुत ज्यादा लकड़ियां है। घोड़े यही पे ही रुक, कहीं पे जाना मत भाई, यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल है तो हम लोग इसको यूज करने वाले। अगर तो मैं सबसे पहले सोचो हम लोग ना बेस बना देते और इसके ऊपर फिर अपना घर आने वाला है। मैं किसी का देख के नहीं बना रहा हूँ, ये खुद से ही बना रहा हूँ, और आई होप कि ये डिजाइन अच्छा हो जाए। भाई ये चेस देखो हमें ऐसे ही लटकने वाली है, तो ये फटाफट से मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई यार ये ऊपर की चेस भी है ना अपने को मतलब इसमें है ना कड़क वाला माल है, आप समझ जाओ यार, यार बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा जब ये बोट हाउस बन जाए, आई मीन सी हाउस बन जाएगा, और उसके बाद में हम लोग इसमें सोएंगे। यार मतलब कितने दिन हो गए हम लोग यहाँ पे सोए ही नहीं, ये भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस रात हो चुके तो सो लेते फटाफट। गाइस नींद पूरी हो चुकी है तो अभी अपने को फिर से काम पे लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना ओक लॉक के पिलर लगा दूंगा ऊपर, क्या यार और थोड़ा सा हम लोग गाइस बड़ा करने वाले इसको। मुझे लगता है ये थोड़ा सा है ना अपने को पीछे कर देना चाहिए। और गाइस अभी हम लोग ना ये फ्लोर की भी रूफिंग कर देते फटाफट, फिर देखते कि स्टेयर्स कहाँ से लेनी है। और ये जो अपना घर है ना मैं पूरा मेडिवल स्टाइल का बनाने वाला हूँ, मॉडर्न नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अपने को मेडिवल चीजें लकड़ियों से खेलना पसंद है। गाइस मैं उठ गया तो फटाक से बारिश चालू हो गई है, मुझे नहीं पता अपने वर्ल्ड में क्या दिक्कत है यार, बहुत ही ज्यादा बारिश होती रहती है। और थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ अभी मैं, और फिर से अपने को ये पिलर गाइस तोड़ के शिफ्ट करने पड़ेंगे। ऑलराइट गाइस तो अपना ऊपर का रूप बन चुका है, अभी हम लोग ये ऊपर का रूप भी कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। गाइस आई थिंक रात हो चुकी है तो सबसे पहले हम लोग नीचे चल के सो लेते हैं। गाइस अभी सुबह हो चुकी है और फिर से अपने को काम पे लग जाना है। तो यहाँ पे है ना मैंने एक मतलब ऐसे डिजाइन बना दिया, बड़ी सी विंडो रहने वाली है, और इस साइड भी मैं सेम ही करने वाला हूँ, मतलब बीच में है ना जगह छोड़ेंगे हम लोग विंडो के लिए। और ये साइड तो मैं सोच रहा हूँ भाई पूरा ही खुला छोड़ देते हैं, मस्त लगेगा सही में। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा फेंसिंग कर देंगे, गैलरी लग जाएगी बड़ी सी, अभी ठीक लग रहा है मुझे लगता है ये। और अभी एक्चुअली ऐसा ना हो जाए भाई कि मॉडर्न हाउस बन रहा है, एक काम करते हैं गाइस थोड़ी सी ग्लास की जरूरत है। यार गाइस अपने को है ना इससे ना ये पॉलिश ग्रेनाइट मिल सकता है, तो वो मुझे लगता है ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। भाई ये देखो दूर से मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, बट ठीक है ट्राई करते हैं कैसा बनेगा घर। भाई सही में बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा अजीब बनेगा यार, घोड़ा क्या कर रहा है यहाँ पे। गाइस तो अभी तक इतना काम हो चुका है, अभी अपने को मेन रूप भी बनाना है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इधर क्या करना चाहिए अपने को। वैसे इधर तो हम लोग ऐसे ही रखने वाले और दरवाजा लगा देने वाले, सही में मतलब बहुत ज्यादा एरिया ओपन सा घर बन गया। और यार यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे आइडिया नहीं आ रहा हम लोग है ना, और पीछे भी क्या करना चाहिए या पीछे ऐसे ही ओपन रख दू समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम कर देता हूँ मैं पीछे एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ। अरे गाइस तो अभी तक रूप बन चुका है, और अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी हम लोग ना फेंस लगा दे, और अपना ये जो नीचे एरिया एक्सटेंड दिखाई देता हूँ आपको। ओ भाई ये कहाँ से आ गया,
एक्चुअली मुझे आवाज आ रहा था बट मुझे समझा ही नहीं तू कहाँ से आया। तो गाइस यहाँ पे मैं सोचो हम लोगों ने थोड़ा सा पूल टाइप कुछ तो बना देते और ये भी भाई अभी तक ऐसे के ऐसा ही है, मतलब मुझे पता भी इसका क्या करना चाहिए। ऑलराइट गाइस तो मुझे लगता है अपने को ना स्मूथ कॉर्ड्स या कॉर्ड्स ब्लॉक है ना उससे ना ये आउटलाइन खींचनी चाहिए पूल के लिए। भाई ये देखो अपना घर बोल रहा हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा बड़ा बनने वाला है, मतलब इतनी बड़ी हवेली साफ करना है, बहुत ज्यादा झंझट होने वाली है, बट कोई नहीं यार हम लोग कर लेंगे। तो पहले ना इधर है ना आउटलाइन के लिए स्टोन यूज करने वाले और अभी हम लोग ना नीचे जाके ना स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक लगाने वाले इधर ऐसे। स्मूथ नहीं यार ये नॉर्मल क्वार्ट्ज ब्लॉक है एक्चुअली। ऑलराइट गाइस अपना पूल बन चुका है, अभी एक्चुअली रात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग सो लेते हैं, एक्चुअली काम भी बहुत बाकी है अभी तक। ये देखो भाई ऊपर का भी ये हाल है तो ये भी मैंने पैक नहीं किया और यहाँ पे मुझे लगता है अपने को ना फेंस लगानी चाहिए। मुझे लगता है छोड़ दो यार पैक कर ही देता हूँ क्योंकि नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं सोच रहा हूँ नीचे का है ना हम लोग ना पूरा यार ग्लास से कवर्ड कर देंगे। ऑलराइट गाइस तो ये देखो इतना काम हो चुका है, अभी अपने को दरवाजे बनाने और मेन चीज करनी ये कि मतलब हम लोग ना ऊपर कैसे आए वो देखना है। लिटरली मैंने ना मतलब किसी साइड से ये ऊपर आने के लिए जगह नहीं बनानी और नीचे भी इतना हो चुका है एकदम बड़ा स्पेशियस घर बन चुका है साइड में और ये अभी तक पेंटिंग है तो ये भी करना है मुझे। या फिर ऐसे ना हम लोग ना दो साइड से बना सकते हैं बट अपनी ग्लास यार ढक ना जाए। ये देखो भाई अभी हम लोग ना इजिली ऊपर नीचे जा सकते है घोड़े भाई। ओ भाई कितने जोर से ऊपर नीचे गए, ये देखो यहाँ से वाह और ये भाई लुक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है हम लोग इसको डबल भी कर सकते हैं बट ठीक है छोटा ही अच्छा लगेगा और ऊपर भी अच्छा लग रहा है। अभी मुझे ना डोर्स और मतलब लाइटिंग करनी है वो तो हम लोग फिर आउट कर देंगे यार। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे दरवाजा लगा देते हैं और यहाँ पे भी दो दो दरवाजे आ जाएंगे, सही लग रहा है। यहाँ पे एक ही दरवाजा आ जाएगा और यहाँ पे भी अपने को दो दरवाजे चाहिए। अभी मेन चीज आती है अपने को लैंटर्न बना के लाने, कुछ थोड़ी सी लाइटिंग भी चाहिए यार। ओके तो अभी ये तो अपना बीस्ट हो भाई पूरा लाइट है, अभी बस अपने घर को लाइटिंग कर देनी है। कहाँ से करें मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, अंदर हम लोग लगा देते पहले। सबसे पहले मैं कोने में ही लगा रहा हूँ ऐसे ही कहीं पे भी। अभी मैं सोचो आपको दिखा दूं कि अपना घर भाई कैसे लगने वाला। एक सेकंड थोड़ा सा दूर से यार मुझे इलाइट्रा इतना नहीं आता बट ठीक है। ओ भाई ये देखो अभी दूर से ऐसा लगने मतलब थोड़ा सा अच्छा, मुझे पता है इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है कोई नहीं। ओ भाई पड़ी 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 और ये अपना पूल है भाई, इसमें हम लोग ना नीचे भी लैंटर्न वगैरह लगा देंगे बट एकदम बढ़िया सा पूल है अपना। और एक काम कर देते भाई अभी मैं थक गया ये देख देख के, इधर हम लोग ना ठीक कर ही देते अभी फिलहाल। मैंने चेस्ट बना ली और मैं सोचो यहाँ पे ऐसे चेस्ट रख देंगे मतलब डेकोरेशन भी आ जाएगा। ये क्या कर रहा है इनविल यहाँ पे, और पहले हम लोग ना इसमें अपना सब सारा सामान डाल देंगे फिर भाई यहाँ से वहां शिफ्ट करने वाले। ओके गाइस फाइनली तो मैंने ये जो चेस्ट है ना यहाँ पे भाई पूरी एम्प्टी कर दी, अभी मुझे ये फिर से रिपेयर करना पड़ेगा और ये भी दोनों चेस्ट एम्प्टी पूरा मतलब अभी ठीक है। और ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे चेस्ट लगा दी और डेकोरेटिव लुक भी आ जाएगा। गाइस फाइनली अपना घर रेडी, अभी मुझे लगता है बेड और ये भी मैं हटा देता हूँ। गाइस आपको ना घर की मतलब जितना हुआ है उतना एक छोटा सा टूल दे देता हूँ। ये देखो हम लोग ऐसे आते ही यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता कितना अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ लगाएंगे यार, ऐसा नहीं है हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये देखो यहाँ पे एक बेड, वहाँ पे एक बेड चेस्ट और यहाँ पे ऊपर एक प्यारी लाइटिंग देन सामने जाते, एक मिनट बनकर तू दे। और यहाँ पे सामने जाते ही गाइस ये देखो एक बढ़िया सा पूल, लिटरली इन्फिनिटी पूल लग रहा है ये। ये देखो भाई वहाँ पे अपना डेजर्ट टेम्पल है, वहाँ पे अपना एक पोर्टल है, वहाँ पे अपनी बड़ी पिकेक्स है और यहाँ पे ये देखो यहाँ से अभी हम लोग एक काम करते ऊपर चलते हैं। ये दोनों भी साइड से मैंने स्टेयर्स बना दिए भाई, ये देखो ये ऊपर का एरिया, यहाँ पे मुझे पता है क्या करना चाहिए वो आप लोग यार नीचे कमेंट करके बता दो। तो यहाँ पे एक ही दरवाजा है, मुझे लगता है दो दरवाजे करने चाहिए वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी और नीचे ये देखो पूल दिख जाता है भाई, ये छोटी सी गैलरी इसको हम लोग बाद में बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आती है भाई मेन गैलरी, ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली एक तो यहाँ पे सामने कूद सकते हैं। गाइस दूर से है ना ये कुछ कुछ ऐसा लगेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा तो ठीक लग रहा है, इतना भी गंदा नहीं लग रहा है यार। कोने कोने में बढ़ा देते हैं लैंटर्न।
गाइस ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड सही में बता रहा हूँ भाई, मैं नूबड़ा हूँ बहुत बड़ा, मैंने क्या कर दिया। इलाइट्रा मिल जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है, बाकी कुछ दिख तो नहीं रहा, बट ये देखो भाई अपना घर रात में अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले सोने चलते हैं, क्योंकि यार कुछ चीजें अगर रह गई होगी तो मैं सुबह देख लेता हूँ। ओके मुझे लगता है मुझे सब चीजें मिल गई है ऑलमोस्ट, ऑलराइट पिकेक्स एक्स ये मैंने, और उसके बाद में इलाइट्रा भाई ये मैंने बस। और ये देखो ये वाला घर इस साइड से ऐसे लगेगा यार, मुझे नहीं पता कितना अच्छा लग रहा है, बट तो गाइस आज के लिए इतने करते हैं। आपको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस अपना ये घर कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। फिर अगले गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले बाय गाइस।